मैं चाहता हूँ कुछ शेयर करना जो मेरे दिल में है बहुत दिनों से, और आज हर जगह यही चर्चा हो रही है खेसारी लाल यादव की और उनकी बेटी की। किसी लड़के ने उनके बेटी का नाम यूज़ करके एक गाना बना दिया, तो जिस पे खेसारी लाल को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके खानदान को मारने की, उसको उसके चैनल जो जो भी इंसान उसके खिलाफ़ बोलेगा उसके चैनल को हटवाने की, अपने पैसे का रोब, ऐसे बहुत सारे बातें की जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कि बिहार जैसे देश में, ये बिहार यूपी और इंडिया में बहू बेटियों की इज्जत वैसे भी बहुत कम ही होती है। यहाँ नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे ज़्यादा रेप अभी दिल्ली यूपी बिहार जैसे जगहों पर ही होती है, और वहाँ के गाने, ये ट्रेंड शायद उन्होंने ही स्टार्ट किया था, उन जैसे सिंगर नो ही। अब मैं खेसारी लाल को नहीं बोलूँगा कि बस उनका ही गलती है, उनके जैसे जितने भी सिंगर हैं जो लड़कियों का नाम लेके, चाहे वो जो भी नाम हो, काजल, पूजा, प्रिया, पिंकी, जो भी नाम हो, उस नाम से उनको नहीं पता होता कि उनके नाम के, वो जो नाम यूज़ करते हैं उस नाम का कोई किसी घर में कोई पल रहा है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है उस नाम से। और हर गानों में लड़की को दिखाना, उनके भोजपुरी सॉन्ग्स कुछ ऐसे हैं जहाँ हम पूरे परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, ऐसा बहुत कम ही मूवी है जिसको हम अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिस उसके अंदर जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं बाकी सारे जो इंडस्ट्रीज़ है शायद उनका इज्जत इसलिए हो रहा है और हमारा इसलिए कम हो रहा है धीरे धीरे। साउथ का देखा तो बहुत प्राउड से बोलता है, साउथ बॉलीवुड की, शाहरुख खान की ऐसी मूवी थी, साउथ की ऐसी मूवी थी, प्रभास की मूवी ऐसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आजकल शर्म आता है कि बताने से कि मुझे, मैं भोजपुरी मूवी देखता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? सब आप लोगों की गलती है, खेसारी लाल जैसे आदमियों की। पहले खुद ट्रेंड स्टार्ट करेंगे, और जो जिसने वो गाना गाया वो कितना छोटा है तुमसे, कम से कम वो सोचो, वो देखो एक बार, वो तुमसे बहुत छोटा है। सीखा कहाँ से होगा ये सब चीज़? उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से होगी जो तो तुम्हारी बेटी के नाम से वो गाना गा रहा है आज? कैसा लगा तुमको? अच्छा नहीं लगा ना? वो तो बस इतना बोला खेसारी का बेटी, तुम किसी का बेटी का नाम डायरेक्ट लेते हो, कायल, पायल, पूजा, पिंकी, प्रिया, ये अच्छी बात नहीं है। ये तुमको, अगर तुम कर्मा पे बिलीव करते हो ना, तो ये तुम्हारे पे कर्मा हो रहा है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और तुम जो जो गुंडागरी उसको मारने की धमकी दे रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे साथ होना चाहिए था। जितने पब्लिक हैं अगर भड़क गए ना, तो तुम्हारा जो स्टारडम है, जो तुम सोचते हो कि मैं सुपरस्टार हूँ, तो तुमको ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो खेसारी लाल का शायद नाम नहीं सुना होंगे, और तुम्हारी सच्चाई पूरे बिहार को पता है तुम कौन थे पहले। इसीलिए अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ, टाइम है। आपने जो ट्रेंड शुरू की थी उसे ख़त्म कर दो, ताकि आपको देख के कोई और बच्चा ऐसा ना करे, ऐसा ना सीखे, ऐसा हिम्मत ना करे। और ये भी गलत हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है, और वो भी गलत हो रहा है जो उस लड़के के साथ हो रहा है। इसलिए प्रॉब्लम आपकी है, आपको सुलझाना पड़ेगा। धमकी दे के कोई फ़ायदा नहीं है, सामने आइए, सबको बताइए। धन्यवाद।